मध्य प्रदेश शासन में आबकारी मंत्री विजेंद्र सिंह राठौड़ जी हमारे साथ है। विजेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। विजेंद्र सिंह जी, लगातार कई बार से आप जीतते हुए आ रहे हैं और इस बार जीतने का फल भी आपको मिला और एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग आपको मिला, क्या कहेंगे इस जीत? देखिए, निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि जब आप आम जन में पूरी ईमानदारी से, लगन से और उनके दुख तकलीफ से हमेशा खड़े होते हैं तो उसका फल भी आपके सामने आता है। मुझे खुशी है कि काफी लंबे समय से, 90 से जो है लोगों के सीधे सीधे विधानसभा के रूप में जो है संपर्क में हूँ और आशीर्वाद भी लोगों का मुझे मिलता रहा और हमेशा मैं इस बात की कोशिश करता हूँ। हर किसी की इच्छाएं 100% तो पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन अगर दिल से और ईमानदारी से आप जो है जिस काम को करते हैं तो लोग उसका मूल्यांकन करते हैं और उसके नतीजे भी अच्छे आते हैं और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं उस पर खरा उतरा हूँ। मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति आप लोग लागू कर रहे हैं, इस नई नीति में क्या है ऐसा जो मध्य प्रदेश में लागू किया जा रहा है? आचार संहिता का समय है, इसलिए मैं नीति के ऊपर तो बहुत ज्यादा अभी नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन इतना तय है कि जो भी रणनीति हमने बनाई थी उससे लगभग 400 करोड़ रुपए के आसपास का राजस्व जो है अधिक हमें पिछले साल की तुलना में मिला था और पिछले बार की जो सरकार थी, पिछली सरकार थी, उनकी रणनीति को यही हमने बदला है। अगर हम उनकी रणनीति पे चलते तो ये पौने 400 करोड़ का जो जनहित के कामों में खर्च होने वाला खजाना है वो शायद हमारे पास नहीं होता। एक लंबा राजनीतिक करियर आपका रहा है, आपने वो दौर भी देखा है राजनीति का जब थोड़े से खर्चे में और थोड़ी सी बात करने में ही लोग आपके आपको विश्वास पे वोट देते थे, और आज का ये दौर है जहाँ सोशल मीडिया हर हर मतलब आदमी के जेब में जो मोबाइल रखा हुआ है उसके थ्रू प्रचार प्रसार हो रहा है, क्या चेंज महसूस करते हैं आप एज ए राजनीतिज्ञ होते होने के नाते? देखिए, वक्त के हिसाब से बदलाव तो होते हैं और स्वाभाविक रूप से राजनीति के क्षेत्र में भी बहुत बदलाव हुए हैं। मुझे याद है जब मोटरसाइकिल, तो छोड़ दीजिए, साइकिल के ऊपर प्रचार होता था। मैं जनपद अध्यक्ष उन दिनों हुआ करता था, उस वक्त साइकिलों से लोग जाते थे और ये नहीं देखते थे कि वो चुनाव कोई लड़ रहा है तो वो हमारी क्या व्यवस्था करता है। वो अपने साइकिल उठाते थे, अपने घर से खाना खाते थे और पसीना बहाते हुए गांव गांव में जाते थे और जो है अपने प्रत्याशी के लिए संघर्ष करते थे। बाद में मोटरसाइकिलों का जमाना आया, फिर जीपों का जमाना आया, अब जमाना और आगे बढ़ गया है। उस वक्त जो है सूचना तंत्र हमारा बड़ा सीमित था, सूचनाएं मिलती नहीं थी। गांव का जो प्रमुख आदमी होता था वो जो है बताता था कि आज अखबार में ये छपा है, या शाम के टाइम में गांव में अमूमन हम देखें तो एक रेडियो हुआ करता था तो उस पर न्यूज़ सुनते थे लोग, उससे धारणा हमारी बनती थी। आज जो है दुनिया मुट्ठी में है, मतलब जो मोबाइल है, जो संचार क्रांति है, इतना ज़्यादा फैलाव हुआ है कि अगर हमारा बकरी चराने वाला भाई भी है तो वो भी बकरी चराते चराते 4 बार FM पे समाचार सुनता है। तो वो वक्त ऐसा वक्त था कि गांव का जो बड़ा आदमी होता था वो वोटों को प्रभावित करता था। आज ये वक्त ऐसा है कि हर किसी को मालूम है कि अमेरिका में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है और अच्छे दिन कितने आए या अच्छे दिन कितने नहीं आए, ये लोगों को जो है इस बात का एहसास है। किसने क्या बोला क्या नहीं किया वो लोगों को एहसास है। अब वो निर्णय लेने की क्षमता उनकी खुद की बनी है। लोग कितना भी भावुकता में लेके और अपना गलत तरीके से भ्रामक प्रचार करके बरगलाने की कोशिश करें तो कुछ परसेंटेज तो जरूर जो अभी नौजवान तबका है वो थोड़ा सा गर्वित हो जाए, बकाया लोग समझदार हैं, इस बात को समझते हैं। सर, लोकसभा चुनाव 2019, आप क्या समझते हैं, लहर है या कुछ और? मैं तो ये समझता हूं कि जिस तरीके से कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है, जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार ने मात्र 2.5 महीने के अंदर अंदर ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं और ऐसे निर्णय लिए हैं जो 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं लिए, जिस तरीके से लोगों को केंद्र की जो वर्तमान सरकार है, लोगों को विश्वास दिलाया गया था कि 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ों को नौकरियां मिलेंगी या और भी तमाम बातें, काला धन वापस आएगा,
डीजल सस्ता होगा, पेट्रोल सस्ता होगा, तमाम धार्मिक गुरु भी उसमें शामिल हो गए थे और भरोसा दिलाते थे कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अब लोग अपने आप को बड़ा ठगा सा महसूस कर रहे हैं और उनको जो भरोसा दिलाया गया था उस पर विश्वासघात हुआ है। इसलिए अब की बात जो लहर चल रही है वो इस बात का संकेत दे रही है कि जो लोग आज हैं वो केंद्र में नहीं रहेंगे। वक्त बदलाव का है और स्थितियां बदलने वाली हैं। कई मैं बोलूंगा कि 3 बार के विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस इस बार जीती है और लोकसभा चुनाव पिछले 5 सालों से लोकसभा में भी आपकी सरकार नहीं थी। मध्य प्रदेश में किन मुद्दों के साथ कांग्रेस आ रही है इस बार? देखिए, मध्य प्रदेश के मुद्दे साफ हैं। एक पक्ष वो है जो केवल बातें करता रहा, लोगों के बीच में भ्रम पैदा करने की और केवल अपना पोस्टर बैनर की राजनीति करके जो है अपना काम निकालने की बात, कभी मंदिर के नाम के ऊपर तो कभी आपस में लड़ाई भिड़ाई कराने के नाम के ऊपर जो है लोगों को गुमराह किया जाता रहा। लेकिन कड़वा सच ये भी है कि वो कुछ तो हुआ नहीं। किसानों के ऊपर गोली चलती रही, किसानों के कपड़े उतार के टीकमगढ़ में पिटाई होती रही, मंदसौर की घटना है, ऐसी 50 घटनाएं हैं। तो किसान ठगा गया, नौजवान को नौकरी देने का जो वायदा था वो हुआ नहीं। बिजली के ऊपर तमाम बातें कही गई लेकिन बिजली के मामले में भी लोगों को राहत हुई नहीं। 3 हॉर्स पावर का मोटर का कनेक्शन होता था और 5 हॉर्स पावर का बिल लिया जाता था। सूखा का पैसा किसान को मिला नहीं। भावांतर की बातें हुई लेकिन उसका फायदा इनको हुआ नहीं। तो ये इस तरीके से जो लोगों को बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई थी वो तो कुछ नहीं हुआ। अगर हुआ तो केवल इतना हुआ कि 2 लाख करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश की आम जनता के ऊपर तत्कालीन सरकार भारतीय जनता पार्टी के मुखिया शिवराज सिंह जी के द्वारा छोड़ा गया। जो आने वाली पीढ़ी है, जो आज बच्चा पैदा हो रहा है, वो भी लगभग 30,000 रुपये का कर्जदार है। तो ऐसी खराब आर्थिक स्थिति जो मध्य प्रदेश की छोड़ी गई है उससे लोगों में नाराजगी है। 2 महीने के कार्यकाल में जो कांग्रेस के मुखिया राहुल गांधी जी हों, कमलनाथ जी हों या अन्य हमारे नेता, उन्होंने कहा कि 10 दिन के अंदर कर्जा माफी की प्रक्रिया हम करेंगे और 10 मिनट के अंदर मंत्रालय में जाने के बाद पहला निर्णय किया और किसानों के हित का कर्जा माफी का। आज 25 लाख लोगों को लगभग जो है किसानों का कर्जा माफ हो चुका है। बच्चियों की शादी के लिए 51,000 रुपये जो है वो देने का आदेश हो गया है। जो विधवा हैं, विकलांग हैं, निराश्रित हैं, उनका पैसा दुगना किया गया। आशा कार्यकर्ताओं का पैसा दुगना किया गया। गौशाला खोलने का निर्णय लिया गया। कर्मचारियों का डीए बढ़ाने का निर्णय लिया गया। साथ ही अगर हम बात करें तो कर्मचारियों को भी बहुत सी राहत, व्यापारियों को भी राहत देने का काम किया गया। जो चुनिंदा उद्योगपति हैं उनको भोपाल में बुलाया गया बहुत कम खर्चे में, 5-स्टार और 7-स्टार होटल में नहीं कि जैसे उम्मीद चलती थी निर्णय नहीं आता था। हमारे मुख्यमंत्री जी ने सादगी के साथ आमंत्रित किया लेकिन इस शर्त के ऊपर कि हम पूरी ताकत से उद्योगपतियों को मदद करेंगे, 70% प्रदेश के नौजवानों को आपको नौकरी में रहना पड़ेगा। शहरी जो नौजवान जिसके पास काम नहीं होता था उनको 4,000 रुपये देने का महीने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। तो ऐसे ऐतिहासिक निर्णय इतने कम समय में हुए हैं, इसके लेके हम जनता के बीच में जाएंगे और इसीलिए लोगों ने मध्य प्रदेश के लोगों ने ये मानस बना लिया है कि जैसा मध्य प्रदेश की विधानसभा में बदलाव किया है ऐसा लोकसभा में और ज़्यादा अच्छे मत देके बदलाव करना है। एक लंबा अनुभव है आपको काम करने का, जीवन जीने का। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए आप क्या कहेंगे? अंतिम सवाल है मेरा कि मध्य प्रदेश के युवाओं को अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए क्या पॉजिटिविटी लेकर चलना चाहिए? केवल सवाल मध्य प्रदेश के युवाओं का नहीं है, सवाल है देश के युवाओं का। देश के युवाओं से मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूँ, आपका जीवन केवल आपके लिए नहीं है, आपका आने वाला समय इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस देश को अगर हमें तरक्की के रास्ते पर ले जाना पड़ेगा तो हमें तकनीकी तरीके से दक्ष करना पड़ेगा। जनसंख्या कारण नहीं है। लोग कहते हैं कि जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से हम पिछड़े हैं। मैं ये कहता हूँ कि जनसंख्या की वजह से हम पिछड़े नहीं हैं, उस जनसंख्या को तकनीकी रूप से हमें दक्ष करना है, बौद्धिक रूप से हमें दक्ष करना है और ऐसे लोगों से निजात पाना है जो केवल राजनीति की रोटी सेंकने के लिए हमें इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। कभी पड़ोसी देशों का हवा दिखाकर, कभी धर्म के नाम के ऊपर,
कभी नए नए प्रलोभन देकर ऐसे लोगों से हमें बचना पड़ेगा, ऐसे लोगों से बच के, और जब हम देश के हित में, देश के विकास में, देश को और आगे साइंटिफिक तरीके से तरक्की देने के रास्ते में और खेती को मजबूत करने के रास्ते में और दृढ़ता के साथ निर्णय लेने की क्षमता हमारे लोगों में आएगी, तो मेरा ये मानना है कोई ताकत ऐसी नहीं है कि हमारा देश और प्रदेश मजबूत नहीं होगा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा प्रदेश के नौजवानों की, देश के नौजवानों की है, ये मैं कहना चाहूँगा। विजेंद्र जी, आचार संहिता लगने के कारण बहुत से ऐसे पहलू हैं या बहुत से ऐसे सवाल हैं जो रह गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आचार संहिता के बाद एक बार फिर आपसे हमारी मुलाकात होगी और उन सारे क्वेश्चंस को हम पटल पर रखेंगे जो हम हमसे पूछना चाहते हैं और खास करके जनता आपसे प्रदेश की जानना चाहती है कि आपके विभाग से। मैं भी दिल खोल के उन जवाबों को देने के लिए तैयार रहूंगा। जी जी, तो ये थे विजेंद्र सिंह जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ हमारे प्रश्नों के उत्तर दिए। अगले अंक में फिर हम एक नए राजनेता के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।